Uh, first of all, I'd like to commend this effort, the National Idea Bank. When this was just an idea in itself, it was an amazing idea. And now it has been executed, and you know we all hear that ideas are dime a dozen. And the way this has been executed, so much impact. Uh, and and what they're saying is, it's only a beginning. आ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे इनोवेटिव काम हो रहे हैं शायद पिछले दो तीन साल में आ, हमें लगता है या सच में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इसमें डायसपुरा का एक बड़ा रोल है हसन सैयद साहब हैं उनके सारे सपोर्टर्स हैं आ, जो लोग मुल्क से बाहर गए आज से बहुत पहले उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया फिर ये सोचा कि अब वापस जाके अपने मुल्क के लिए कुछ करना है ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने बहुत सा इम्पैक्ट क्रिएट किया आई थिंक आइडिया बैंक इज़ जस्ट वन एग्जांपल। हम बहुत से लोग ये फॉलो करें न्यूज़ के पाकिस्तानी हैव हैवरेज मोर देन 370 मिलियन डॉलर्स इन द पास्ट वन ईयर विच इज़ 2021। थाउजेंड अ लॉट ऑफ दैट मनी हैज़ बिन इन्वेस्टेड बाई पाकिस्तानी डायस्पोरा और फैसिलिटेटेड बाई दिस पीपल सो आई थिंक दिस ब्रिज एंड द इकोसटम इवन एस टी ट्राइंग टू बिल्ड एंड ऑल अदर including our ministries trying to build is very important uh, and to bring people together who are talented who have ideas who want to do something with people who can support them mentor them take them forward is what is needed to build an ecosystem uh, with this I'd like to you know put a spotlight on some of the initiatives that the ministry is trying to take the ministry of science and technology uh, so since senator Shibli Faraz have joined uh, this ministry we've come up with the national startup policy इट्स अ वेरी एम्बिशियस पॉलिसी नॉट टू रेगुलेट हाउ स्टार्टअप शुड बी मेक बट टू डिज फ्रेमवर्क ऑन हाओ वी कैन बिल्ड एन इको सिस्टम दैट इज़ सपोर्टिव ऑफ आंट्रप्रज दैट इज सपोर्टिव ऑफ़ दिस कल्चर आई आई थिंक कि जो इतनी इन्वेस्टमेंट आई है शायद इसमें uh, इतनी फैसिलिटेशन हमारी तरफ से ना आ रही हो हकूमत की तरफ से बहुत सी चीज़ें होती हैं बहुत सी uh, शायद नहीं भी होती लेकिन ये कि रोल हुकूमत का ये है कि ऐसी इन्वायरमेंट बनाई जाए जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा हो आ, शायद किसी एफर्ट के अलावा भी ये लोग काम कर ही लेंगे आंट्रप्रनॉर्स कंपनीज बना लेंगे उनका काम ही चैलेंजेस को सॉल्व करना है और हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ पाकिस्तान से निकल रही हैं लेकिन अगर आ, STZA or Ministry of Science and Technology and various other organizations, Ministry of IT is involved in this. Uh, they are aware of the impact that technology can make. Uh, so, our role is to collectively build an environment that flourishes this, uh, which Silicon Valley has done, which a lot of other ecosystems have done, uh, to not only have startups in a small number, but essentially kind of catapult this, uh, this movement. और इससे होगा ये कि हमारे मुल्क में जो एक ज़रा मुबादला का बड़ा मसला है जो हमें पता है कि फ़ारन एक्सचेंज आती कम है और हम स्पेंड ज़्यादा करते हैं तो हमने देखा कि स्टार्टअप्स 370 मिलियन डॉलर ले आए बट एट द सेम टाइम आईटी एक्सपोर्ट्स में कोई दो बिलियन क्रॉस हो गया अब हमारे जैसे मुल्क के लिए तो बड़ा अच्छा नंबर है बट जब हम अपने नेबर्स को देखते हैं जहां को डेढ़ सौ बिलियन का नंबर हो या और भी ममालिक हैं जो कि हमारे बाद शायद आई में आए लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट्स कर ली तो हमें लगता है कि शायद हम पीछे रह गए आ, लेकिन अभी भी इतनी देर तो नहीं हुई 2022 हज़ार हर साल नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं नई अपरचुनिटीज़ आ जाती हैं आजकल एआई ब्लॉकचेन बिग डेटा का दौर है पहले शायद कॉल सेंटर्स का या सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स का दौर था आ, अब रिमोट वर्क में बड़ी तरक्की हो रही है तो बहुत सी अपरचुनिटीज़ इस साल में मौजूद हैं अगले साल में आएंगी और हर वक्त आती रहेंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी एज एन इंडस्ट्रीज़ का नेचर ही है कि इट्स एवर इवाल इसमें चैलेंज ये है कि क्या हम इसे लेवरेज कर पाते हैं क्या एज अ कंट्री हम इसको ऑप्टिमाइज uh, कर पाएंगे क्या हम अपनी यूथ को ट्रेन कर पाएंगे कि जो आज की ज़रूरियात हैं इस मुल्क की नहीं बल्कि इस ग्लोबल इंडस्ट्री की uh, क्या हम उसका फ़ायदा उठा रहे हैं uh, इसी पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं देव बिल्ड प्रोडक्ट्स फॉर सम ऑफ़ द लार्जस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड देव यू नो मूव आउटसाइड पाकिस्तान एंड लॉट ऑफ दैम आ वर्किंग रिमोटली फ्राम इन साइड पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री है लेकिन वो कितना तेज़ी से इवॉल्व हो रही है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें इस साल ज़रूर पूछना चाहिए uh, क्योंकि पी एच पी या जो भी पुरानी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं हम उसमें एक सर्टन लेवल तक ये अर्निंग कर सकते हैं बट लेट्स जिसना ब्लॉक चेन में हमने एक समिट ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली प्रेजिडेंट साहब ने मुलाकात की उस डेलीगेशन से उसमें बहुत सी हाई पेंग अपरचुनिटीज़ मौजूद हैं और इसी तरह ए आई बिग डाटा मशीन लर्निंग ये सब सारी टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही हैं अगर हमारी ट्रेनिंग हमारी लर्निंग भी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो भी उसके साथ साथ इवॉल्व करती रहे हमारी यूथ को ट्रेन करती रहे तो शायद ये जो एक दो तीन मिलियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हम प्रोड्यूस करें यही हमारे फॉरेन एक्सचेंज का चैलेंज सॉल्व कर दें आई एम अवेयर के अलाट ऑफ ऑर्गेनाइजेश आर ट्राइंग टू डू डेवेलपर ट्रेनिंग्स बूथ कैम्प एंड आई थिंक कि सब का ही इसमें इनपुट बड़ी ज़रूरी है uh, कि सारे मिलें सारे यू नो प्रोविंशल बॉडीज़ हैं फेडरल लेवल पर बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितना ज़्यादा इस ट्रेनिंग पे इन इन ह्यूमन रिसोर्स पे स्पेंड किया जाए आ, उतना ज़्यादा इम्पेक्ट पाकिस्तान एज अ कंट्री निकाल सकती है इसी में आ, मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमने नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन इनोवेशन इन पॉलिसी को दोबारा बनाए को लास्ट दस साल पहले बनी थी अपडेटेड नहीं थी दस साल पहले पता नहीं साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन क्या होती थी आ, इस साल जो कुछ हमें सीखने को मिला इंडस्ट्री से आया आ, उस पर नई पॉलिसी बना दी गई है वो प्रोसेस में इन दो पॉलिसीज़ के अलावा भी Uh, हमने वीसी इकोसिस्टम जो कि वेंचर कैपिटल है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की ये नस्ट के साथ ही और उसके बाद एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई गई है टू इनक्रेज द वेंचर कैपिटल इको सिस्टम वी सी के अलॉट ऑफ वी सी मनी इज़ बीइंग इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान बट प्राइमेली इट्स बींग पुट इन कंपनीज दैट आर होल्ड कोज आदर इन डेलवेयर और सिंगापुर इन ऑल दिज अदर प्लेसिस राइट विच इज़ ऑल्सो फाइंड मुल्क में इम्पैक्ट आ रहा है फाउंडर्स पैसे रेस करें बट लॉन्ग टर्म में हमें अपनी रेगुलेटरी इन्वामेंट को इतना स्मूद बनाने की ज़रूरत है कि जो जो बड़े बड़े वी सी फंड्स हैं जो पैसे इन्वेस्ट करें ये एक पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी में हो ताकि जब उसका एग्जिट हो उसकी सेल हो तो वह सारा इम्पेक्ट पाकिस्तान में आए ना कि वो किसी डेलवेयर कंपनी में या सिंगापुर कंपनी में रह जाए uh, इसके साथ साथ ही हेम्प uh, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसकी पॉलिसी पर भी काम किया गया है बहुत सी न्यूज़ भी इसमें निकली बड़ी जदीद इंडस्ट्री है जिसके थ्रू पाकिस्तान को दो तीन बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमा सकता है आने वाले सालों में और इन पाँच छः पॉलिसीज़ के अलावा अ, मिनिस्ट्री बड़ी एक्टिवली ये कोशिश करती है कि स्टार्टअप्स को फ़रोक दी जाए क्योंकि नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी जिसकी लीड हमारे पास थी हमने उस पर बहुत वर्किंग की स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड किया तो हमारी कोशिश ये है कि जो मुल्क का स्टार्टअप कल्चर है जो फाउंडर्स हैं इन्हें ये एक परस्पेक्टिव जाए कि हुकूमत जो है उनको सपोर्ट करने के लिए मौजूद है और जैसा कि बहुत से मुल्कों में होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से हर्डल्स भी आ जाते हैं हमारे मुल्क में आई थिंक जो पब्लिक लीडर्स हैं इस टाइम पर हर एक ही टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को समझता है प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से लेकर तकरीबन सारी कैबिनेट जो है और बाकी भी जो लीडर्स हैं हमें रियलाइजेशन है कि टेक्नोलॉजी एज एन इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ कर सकती है और हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत से इनिशिएटिव्स जो लिए हैं उसमें से एक अपकमिंग इनिशिएटिव ये है कि आ, हमने पूरी दुनिया से इंटरनेशनल वीसीज़ को आंट्रपनॉर्स को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान इन्वाइट किया ताकि मार्च के एंड में हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ करें जिसका नाम है फ्यूचर फेस्ट इसमें एक तो जो इंटरनेशनल लोग इस मुल्क में इंटरेस्टेड हैं जिन्होंने ऑलरेडी भी इन्वेस्ट किया है या आगे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत से लोग स्पेशली पाकिस्तान फ्लाई करके आ रहे हैं बट उसके साथ साथ ही पाकिस्तान के अंदर जितने फाउंडर्स मौजूद हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं जो ई e कामर्स से रिलेटेड हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हम उन सारों को एक जगह पर इकट्ठा करना चाह रहे हैं ताकि इस कल्चर को रेकग्नाइज़ करें प्रमोट करें और फ़िगर आउट करें कि इनको फर्दर क्या सपोर्ट चाहिए Uh, चाहे वो पॉलिसी साइट पे हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे हो uh, जब तक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को डेवलपर्स को एज एन इंडस्ट्री रेकग्नाइज़ नहीं करते नेशनल फॉरम पे, हम उनकी फ़रोग की भी उस तरह फैसिलिटेशन नहीं कर सकते uh, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सबको भी इस इवेंट में इनविटेशन दूँ द इवेंट इज़ कॉल फ्यूचर फेस्ट 2022 ट्वेंटी एंड इट्स गोइंग टू टेक प्लेस इन जना स्पोर्ट्स स्टेडियम इन इस्लामाबाद यू कैन लुक इट अप ऑन आर वेबसाइट एंड एवरीथिंग एंड विद दिस